हाय गाइस, आप सब कैसे हो? तो हम लोग जा रहे हैं आज दीपावली का खरीदारी करने, क्योंकि मम्मी के लिए, अम्मा के लिए कपड़ा लेना, तो जान भी परेशान कर रही है। तो चलो हम रास्ते में बात करते हैं। हाय कर लो, हाय नहीं करोगी सबसे? हाय करो। ए खुशी। अरे भैया खुशी, ये है वाव का चारकोल स्क्रब। तुम आप इस स्क्रब को मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। लड़के लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ के आप खुद ही जान जाओगे कि इसमें क्या है और हमें किस तरीके से यूज करना है। तो मैं इसकी प्राइस भी बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आपने प्राइस जो है बताया ही नहीं। तो यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है 375 रुपये की है, क्योंकि भाव पे जो है डिस्काउंट चल रहा है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लेना हो तो आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो चलो एक बार हम इसे अपने फेस पे यूज करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। आपके फेस को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, ना तो इसमें पैराबेन है, ना सल्फेट है, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने फेस को गीला कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रब निकालेंगे और अपने फेस पे लगा के अच्छे से मसाज करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है, आप उस जगह ज़्यादा जो है मसाज कीजिएगा, ताकि जो आपके ब्लैक हेड है वो बाहर निकल आए। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप 15 मिनट तक आप इसे मसाज कर सकते हैं, उसके बाद साफ पानी से आप इसे धुल लीजिएगा। तो देख सकते हो, वाओ कितना ग्लोसा आ गया है मेरे फेस पे। आप इसे एक बार यूज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक करके ले लीजिएगा। तो गाइज, अब हम लोग तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, नहीं तो लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है दीदी का फ़ोन आया था, बोली कि हम भी आ रहे हैं। तो चलो हम आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं। तो आज हम कार से नहीं जा रहे हैं, आज हम अपनी बुलेट से जा रहे हैं। तो हम हैं जानवी, और जानवी के पापा हैं, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम दुकान पे पहुँच चुके हैं कपड़े की ख़रीदारी करने के लिए। तो सबसे पहले हम भैया के लिए कपड़ा चॉइस कर रहे हैं, जो उनको पसंद आएगा वही लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके लिए कपड़े ले रहे हैं, उसके बाद दीदी के लिए, तब अपने लिए और सबके लिए। तब तक आप लोग भी देख लीजिए, वो बता दें कि हम लोग कितने लोग आए हुए हैं ख़रीदारी करने के लिए। हमारे पति हैं, जीजा हैं, और हमारे दोनों देवर हैं, और दीदी के घर से भी आए हैं, दो बच्चे हैं उनके जेठानी के, फिर एक भैया प्रत्यूष हैं, और एक हमारी जानवी है। आप लोग देख ही रहे हो, ये खड़ी हुई है, वो अपने पापा के पास है, और हम यहाँ सबसे आगे बैठे हुए हैं, जो हमारे सबसे छोटे देवर हैं उनके पास हम बैठे हुए हैं। तो दोनों मस्ती कर रहे थे, वही जो है, और यहाँ पे जो है कपड़े दिखा रहे थे भैया। तो सबसे पहले वो भैया जो अपने लिए जींस का पैंट चॉइस कर रहे थे कि उनको कौन सा पसंद आए, कौन सा नहीं आएगा, जो दीदी के जेठानी के लड़के हैं उनके लिए। तो आप लोग देखिए, तब तक इंजॉय कीजिए, हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा शरारत कर रहे थे कि हम क्या बताएं। जो भी कपड़ा भैया दिखाते थे, जैसे हम लोगों को कि ये आपको पसंद आया, ये ले लो, तो उसी पे बच्चे जाके बैठ जाते थे, और जब उनको उठाओ तो रोने लगते थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर भी ज़बरदस्ती इन लोगों को उठाना पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए, आज मेरी पूरी फैमिली के साथ हम आप सबसे थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं। तो
यहाँ पे जो है ना बच्चों की खरीदारी हो चुकी है, बच्चों के लिए कपड़ा ले लिया गया है। अब हमारी और दीदी की बारी आई हुई है, तो हम अपने लिए सूट ले रहे हैं और दीदी भी ले रही है। दीदी को बोला गया कि साड़ी ले लो, दीदी ने कहा कि हम साड़ी पहनते ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने भी अपने लिए सूट लिया है, तो हम भी अपने लिए सूट लिए हैं। अब हमारी और दीदी की बारी है, तो चलो तब तक आप लोग भी देखिए कलर कौन लोगों को पसंद आता है। दीदी और हम दोनों ने सूट ले लिया, तो अब यहाँ पे आ गए साड़ी लेने के लिए, क्योंकि भैया की दुकान बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे सबके लिए ड्रेस आसानी से मिल जाता है, बच्चे हो या बड़े हो, आप आसानी से कोई भी ड्रेस खरीद सकते हो। तो यहाँ पे हम अपने लिए और अम्मा के लिए और मम्मी के लिए साड़ी ले रहे हैं। तब तक आप लोग भी देखिए कि हम लोगों को कौन सा कलर पसंद आता है साड़ी में, मम्मी के लिए और अम्मा के लिए। सारे कपड़े निकलवा दिए थे, पसंद कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वैसे कलर सबके प्यारे प्यारे लग रहे थे। आप लोग देख सकते हो जितनी भी साड़ियाँ भैया ने दिखाए सब कलर प्यारे थे। तो जो जिसके ऊपर दीदी ने हाथ रखा था, इसी साड़ी को मैंने चॉइस किया था, तो वो पिंक कलर में था। दीदी ने बोली कि पिंक हमेशा लेती हूँ, आज तुम्हें पिंक लेना ही नहीं है, आज तुम्हें दूसरा कलर लेना है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, आप जो बोलोगे वही हम ले लेंगे। तो ये साड़ी भैया दिखाए थे, ये भी दीदी को पसंद नहीं आया। तो जितने भी बच्चे थे सबको भूख लग गई थी, बच्चे क्या बड़ों को भी लगी थी। तो सबने कहा कि चलो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम घर के लिए निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ नाश्ता करने आए हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर भूख लगती है तो पेट में चूहे लौटते हैं, पुरानी कहावत है, गांव में यही बोलते हैं। तो चलो हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं थोड़ी देर बाद ही। लोग नाश्ता कर रहे थे, तो इसी में से किसी ने कुछ बोल दिया, तो जीजा को और इनको कुत्ते से हंसाई आ गई, ये लोग हंसने लगे। तो अब हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो
हमारे पति ही ना हम लोगों को बहुत ही दूर ले गए थे नाश्ता कराने के लिए गली में, तो यहाँ पे जाम लग गया था, इसीलिए गाड़ी जो है बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। बाइक तो आ सकती है लेकिन कार नहीं आ सकती। दीदी जो है अपनी कार से आई हुई हैं और हम लोग बाइक से थे, तो इतने सारे लोग थे तो बाइक से कैसे जाते, क्योंकि जो हमारे देवर है वो भी बाइक लेके आए थे और जो हमारे पति ही आए थे, तो इसलिए हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ रहा है। दीदी भी थक गई थी और हम भी थक गए थे, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोगों के साथ जीजा है और ये लोग ये आगे खड़े हुए हैं, ये हमारे पति है और दीदी के घर के बच्चे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी मतलब दीदी की कार खड़ी हुई है। तो हम लोगों ने खूब ज़्यादा मस्ती किया, एंजॉय किया। तो दीदी अब घर जा रही हैं, अब हम आप लोगों से चलो घर पे ही मिलते हैं। उठ लिया है, उसके नीचे मैंने लेगी भी ली थी, तो मैं आप लोगों को एक बात दे रही हूँ कि कौन सी लेगी है। ये रेड वाली की है, ये देखो, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा कलर है सूट का। एक ये लिया था और एक ये वाली है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिए थे। सब मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं जो दिवाली की ख़रीदारी करने की, अच्छे कपड़े लेने, गिफ्ट वगैरह। तो मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं भाई के लिए, अपने पति के लिए और दीदी के लिए, दीदी के बच्चे के लिए, मम्मी के लिए, दादी के लिए और अपने लिए। तो चलो हम एक एक करके दिखाते हैं कि मैंने जो है किसके लिए क्या लिया है, कौन सा ड्रेस लिया है। आप लोगों को वैसे पसंद ज़रूर आएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने दीदी और दादी को, मम्मी को, अपने पति को और देवर को, इन सबको मैंने कपड़े दे दिए थे। ये लोग जो है ना दीपावली के दिन, जिस दिन दीप प्रज्वलित की जाती है, पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन सबने कपड़े पहन लिए हैं। आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसा कपड़ा लिया था इन लोगों के लिए, वैसे अच्छे हैं। दी तो अब हमारे कपड़े ही बचे हैं और जानवी ने भी अपना पहन लिया था, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए एक साड़ी ली थी और 5 सूट लिया था। तो चलो हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो है कौन कौन सा सूट लिया था, किस कलर का लिया था। आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैंने सबसे पहले जितने भी मैंने सूट लिए, सब लॉन्ग वाले सूट लिए हैं। मुझे सबके जो है कलर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लोग रहे थे, सब कॉटन में है। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इस सूट को दिखा रही हूँ, ये सूट भी बहुत ही अच्छा है और इसमें रेशमी तागे से कढ़ाई की गई है और इसमें जैकेट भी है, ये देखो, सब लॉन्ग वाले हैं, अच्छा लगा। और मैंने अपने लिए एक साड़ी ली थी, ये वाली साड़ी, इसे भी ओपन करके हम दिखा देते हैं। इसका कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो साड़ी है दीदी की पसंद के, दीदी ने पसंद किया था, बोली कि आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, इस साड़ी को ले लो। ये देखो, वैसे अच्छी लग रही कि नहीं। तो जो मैंने सारे कपड़े लिए हैं, क्योंकि हम मायके जाने वाले हैं ना बहुत जल्दी, तो मैंने सब ख़रीदारी इसी वक्त कर ली कि मायके जाते वक्त वैसे टाइम तो रहेगा नहीं, इतने सारे काम रहते हैं, आदमी उसी में बिजी रहता है, तो जाने का निकलने का टाइम नहीं मिलता कि चले जाएं शॉपिंग करके चले आएं। तो इसलिए मैंने उसी वक्त जो है अपने मायके की तैयारी भी कर ली है, अपने लिए सूट वगैरह ले लिया है। और मैंने यहाँ पे इसे भी हम आप लोग को ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये कलर कैसा लगा, अच्छा है, ये भी लॉन्ग ही वाला है, ये इसके नीचे की डिजाइन ऐसी है। और मैंने यहाँ पे एक सूट ए लिया था, ये भी कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ, जितने भी सूट
देखो इसकी जो बाही की डिजाइन है ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी, फुल बाही। ये भी लॉन्ग ही है। और मैंने यहाँ पे एक रेड में लिया था, रेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने वहाँ पे जब हम गए थे ना तो पिंक साड़ी ले रहे थे, दीदी ने बोला कि जितने भी साड़ी है सब पिंक ही पिंक तुम्हारे पास है, पिंक मत लो कोई और कलर ले लो। पता नहीं क्यों मुझे पिंक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ भी जाते हैं पिंक ही ले लेते हैं। ये देखो इसका भी कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये रेड में है, अच्छा लगा, मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी जरूर। और मैंने यहाँ पे एक सूट है पिंक में, ये भी लॉन्ग ही है, अच्छा लगा। और इसके ऊपर एक जैकेट भी मिला था, अलग से जैकेट पहनने के लिए, उसमें ज्वाइंट नहीं है, जो मैंने पहले वाला सूट दिखाया था जैकेट है वो बगल से ज्वाइंट है, और इसमें जो जैकेट है ना ये जो है अलग से पहनने के लिए ऊपर से मिला हुआ है। ये देखो ऐसे ही है, कुछ इस तरीके से, ये देखो। कुछ इस तरीके से है। तो जितने भी मैंने दिखाए सूट अपना, सब आपको पसंद आए नहीं आया, और आप लोग बताना कि भाभी के ऊपर कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलो अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अभी हम आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करने वाले हैं कि दीपावली के दिन मुझे, मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन हमें और जाह्नवी को गिफ्ट में किसने क्या दिया, लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और चलो हम आप लोगों से बाय बोलते हैं, बाय मेरे दोस्तों।